हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रीति। अभी बज रहे आठ, शाम के आठ, और अभी देख रहे कितना उजाला है। मतलब अभी भी सनसेट नहीं हुआ है, मतलब अभी सनसेट होने में यहाँ पे कम से कम 9 बज जाता है, उसके बाद भी बहुत देर उजाला रहता है। और बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, मेरा ये कैप भी उड़ जा रहा है बार बार। अभी हम जा रहे हैं ऐसे ही थोड़ा सा इवनिंग वॉक पे, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले मैं आपको हमारा अपार्टमेंट दिखा देती हूँ। हम रहते हैं यहाँ पे ऊपर 3rd फ्लोर में, और नीचे जो है एक स्टोर भी है, नेचुरल हेल्थ फूड। यहाँ पे सब तरह के न्यूट्रिएंट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क वगैरह सब मिल जाता है। अभी हम लोग RPI आए हैं, और RPI ट्रॉय का सबसे फेमस जगह है, मतलब बहुत ही बड़ा जगह है और बहुत ही सुंदर है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं पीछे का नज़ारा, बहुत ही अच्छा जगह है ये। अगर आप यहाँ पर आ जाओगे आपको बिल्कुल जाने का मन नहीं करेगा घर। यहाँ से RPI थोड़ा सा ऊपर में है, मतलब थोड़ा पहाड़ में है, तो यहाँ से आपको पूरा ट्रॉय दिखेगा, सनसेट दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। बहुत मतलब यहाँ पे अगर आप आके थोड़ी देर बैठोगे बहुत ही शांति लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखिए अभी यहाँ पे अभी सनसेट होने वाला है, और ये कितना सुंदर लग रहा है। अभी कम से कम 8:30 बज रहा है, यहाँ पे 8:30 बजे तक ही सनसेट होता है। RPI का जो फुल फॉर्म है वो है रेंसिलियर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट। ये एक प्राइवेट रिसर्च यूनिवर्सिटी है ट्रॉय में। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1834 में, 198 ईयर्स अगो। रिसेंटली अभी मेरे हस्बैंड भी यहीं जॉब करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया ही था आपको कि यहाँ ये कैंपस जो है ये पहाड़ों के बीच में है, तो यहाँ पर जो फेमस जो रिवर है हडसन रिवर, वो भी यहाँ से पूरा दिखता है। RPI जो है हमेशा से मेल डोमिनेटेड इंस्टीट्यूट ही रहा था, और यहाँ जो फर्स्ट वुमेन आई थी अप्लाई करने RPI में, 1873 में आई थी, और उनका नाम था एलिजाबेथ आर ब्रूसवेल। हालांकि वो अटेंड नहीं की थी क्लास, क्योंकि उनको कॉलेज से मना कर दिया गया था कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि इतने सारे बॉयज़ के बीच में आप अकेली गर्ल्स, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर उसके बाद भी कई साल तक यहाँ पे मेल डोमिनेटेड ही रहा ये कॉलेज। फिर 1942 के बाद से यहाँ पे गर्ल्स ने एडमिशन लेना स्टार्ट किया, अपना एनरोल करना यहाँ पे चालू किया। आज का जो टेम्परेचर है, आज है 35 डिग्री। 35 डिग्री यहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी है। हम तो भाई इंडिया वाले हैं, तो हमें गर्मी सहने की आदत है, तो हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए आप देख ही सकते हैं पूरा कैंपस कितना खाली है, आपको एक भी लोग नहीं दिखेंगे यहाँ पर। ये जो है ये RPI का स्टेडियम है, रेंसिलियर हस्टन फील्ड हाउस। अभी यहाँ पे कुछ काम चल रहा है, तो इसलिए अभी ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, और जिसके आप देख ही पा रहे हैं सब सामान रखा हुआ है और गाड़ी भी खड़ा है। तो यहाँ पे वैसे काफ़ी बच्चे रहते हैं। आज अभी रात के 9 बज रहे हैं, तो ज़्यादा अभी बच्चे हैं भी नहीं। ये एक ब्रिज है, आप बस स्टॉपेज से उतर के फिर ये ब्रिज के ऊपर से भी आप RPI के अंदर जा सकते हैं। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं घर, अभी काफ़ी अंधेरा होने वाला है, और थोड़ा अंधेरा हो भी गया है अभी, तो आपसे मिलती हूँ मैं घर जाके। ये हमें जाते जाते एक रास्ते में हिरन दिख गया है, हिरन हमको देख रहा है, हम हिरन को देख रहे हैं, टू मच फन। अब ये हिरन भी जा रहा है अब अपने घर। हिरन भी बेचारा अकेले ही घूम रहा है, कोई उसका दोस्त नहीं है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं 9:30 बजे तक भी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, और अभी यहाँ समर सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो इस समर में इतने देर तक आप घूम सकते हो, मीन्स इवनिंग वॉक वगैरह कर सकते हो।
क्योंकि विंटर सीजन में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, फिर स्नोफॉल भी होते रहता है, तो वॉक करना तो मुश्किल है। बाकी कार वगैरह में तो आप जा सकते हैं। विंटर में रात बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब यहाँ 4 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है और विंटर में तो निकलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोग समर में ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ पे। गाइस, तो मैं अभी आ गई हूँ घर और मेरा डिनर वगैरह सब कंप्लीट हो गया है और अभी बज रहे रात के 11। तो गाइस, आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और मैं आपके लिए ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।